हेलो दोस्तों, तो चलिए हमें लोग बात करनी है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा होगा कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर। याद रखिए, आपके जो भी लेक्चर हैं, जितने भी चैप्टर हमें बात करनी है, इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितने हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके बाद जितने भी हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, उस इतना कंप्लीट करने के बाद आपको किसी की क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कौन कोई किताब खरीदने की। बस इसी से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला हमारा चैप्टर आज बात करते हैं। याद रखना, आपके जितने भी चैप्टर होंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी कंप्लीट कंप्यूटर जीके के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची होगी, उसी में डले रहेंगे। पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाली, निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब आप इसे निर्देश देते हैं वही काम करता है। जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित और प्रदर्शित करता है। आप इसे जो डेटा देते हैं उसका जो आप को लास्ट जो आपका निष्कर्ष चाहिए होता है वो निकाल के देता है। बस आपको निर्देश देना पड़ता है इसमें। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। सामान्यतः दोनों का ही अर्थ गणना करना है। क्या करना है? गणना करना है। ये आपके कुछ कंप्यूटर डिवाइस है, एक कंप्यूटर सिस्टम इस तरह होता है पूरा। देखिए, इसमें आपका स्कैनर भी शामिल होता है, इसमें माउस भी आपका होता है, ये आपका माउस है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका प्रिंटर है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये आपकी एक कंप्यूटर सिस्टम है। बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द जो है ये अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देता है। पूछ लेता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है और इसके अर्थ क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसमें सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का अर्थ होता है ऑपरेटेड, एम का अर्थ होता है मशीन, पी का होता है पर्टिकुलरली, यू का अर्थ होता है यूज्ड फॉर, टी का अर्थ होता है टेक्निकल और ई का अर्थ होता है एजुकेशन एंड आर का मतलब होता है रिसर्च। तो याद रखना है आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये है आपका। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना करना, प्रक्रिया, यांत्रिक या फिर अनुसंधान शोध कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है, जो डेटा को सूचना में बदलता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की प्रणाली की कार्य पद्धति देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जा सकते हैं। सबसे पहले इनपुट, कंप्यूटर में डेटा या फिर सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। जो आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। फिर आपका प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। फिर है आउटपुट, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। और स्टोरेज, यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब खाना पकाते हैं, एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए जिससे आपको भी याद रहेगा और ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। जैसे ही आप लोग खाना पकाने के लिए एक कुकर लेते हैं, उसमें आप लोग पानी डालते हैं, चावल या दाल जो भी हो आपको बनाना है डालते हैं मटेरियल। ठीक है, अब उसे बंद कर देते हैं, कुकर को बंद कर देते हैं, तो अपने अंदर प्रोसेस करता रहता है वो, और चावल पकने में या दाल पकने में मदद करता है। जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है उसकी, तो वो जो भी आपको संकेत दे देता है और आप उसे उतार देते हैं। तो आपके लिए आउटपुट हो गया, और इनपुट था जो आपने चावल या दाल डाली थी उसमें पानी के साथ, वो इनपुट था। और प्रोसेसिंग जो उसके अंदर प्रोसेस हुआ वो खाना पकने का,
उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। आउटपुट जो आपको पका हुआ चावल या दाल मिली खाने योग, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। स्टोरेज उसे कह सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने सुबह बना लिया खाना, दोपहर के लिए उसी में से रख लिया, तो स्टोरेज जो हमें ज़रूरी होती है उसे स्टोरेज कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कंप्यूटर की फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। गति, स्पीड, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है, 10^-2 सेकंड। फिर है त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर कठिन से कठिन कार्य पिसिन का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, ठीक है। फिर है आपका भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यम हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। फिर आपका बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की एक अन्य विशेषता है बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। फिर आपका गोपनीयता, पासवर्ड, सिक्योरिटी के उपयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है, कोई नहीं देख सकता इसके बाद अगर आप इसे पासवर्ड डालते हैं। साक्षमता, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। फिर स्वचालित, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है, हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। अगर आपसे कहीं पूछता है कंप्यूटर की विशेषताएं, या कंप्यूटर पूछता है किसी परीक्षा में, तो आप उसमें ये विशेषताएं डाल सकते हैं और परिभाषा जो हम लोगों ने देखी है उसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर के कार्यों को भी लिख सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि ये हम लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं, ये बुक्स कंप्लीट होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपकी हर परीक्षा में से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, फिर चाहे वो लिखित में हो या फिर ऑब्जेक्टिव में। बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द हैं कुछ, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। हार्डवेयर, कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। याद रखना है, बहुत सिंपल शब्दों में ये परिभाषा लिखी गई है। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम लोग हाथ से छू सकते हैं और देख भी सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, किसमें, सॉफ्टवेयर के बारे में। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रियाओं, प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश होता है, जैसे नोट पैड, एमएस ऑफिस, गेम्स। जो हम लोग कार्य देते हैं उसे जो सॉल्व करता है या प्रोसेस करता है उसमें आपका सॉफ्टवेयर शामिल होता है, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड से ऑफिस से हम लोग कोई हमें रिज्यूम बनाना है या कोई प्रिंट करने के लिए लिखना है तो इसमें एमएस ऑफिस का उपयोग करते हैं। गेम खेलते समय हम लोग सॉफ्टवेयर का ही तो यूज करते हैं, जैसे आपका पबजी हो, ये सॉफ्टवेयर ही है गेम्स का। फिर डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर आदि संख्यात्मक डेटा के उदाहरण हैं। फिर चिन्हात्मक डेटा, इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारी का
कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर आदि इसके उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर का एक भाग है प्रोसेसिंग। डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनमें सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से विवर्तित डेटा प्राप्त करना है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे आपने जो आप कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं तो आपको तो मेन जो निष्कर्ष चाहिए वो चाहिए ना, जो उपयोगी है आपके लिए। तो यही उपयोगी जो व्यवस्थित डेटा, जो अव्यवस्थित डेटा आप देते हो, व्यवस्थित डेटा जो आपको उपयोगी होता है वो आपको प्रोसेसिंग द्वारा मिलता है। फिर है आपका सूचना इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित, व्यवस्थित, संगठित तथा संरक्षित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर का इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए कुछ ही मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं। कितने? 50 साल हुए, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी न किसी तरह से सम्मिलित है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीकों को ही बदल दिया है। अब आज देख रहे हैं आप लोग कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है इस तरह का, इसके बिना मुझे लगता है कि अगर ये बंद हो जाए तो आदमी का अस्तित्व ही, आदमी को लगेगा कि सब अस्तित्व खत्म हो गया है। इतना जीवनचर्या बना ली है कंप्यूटर को, मोबाइल को। कंप्यूटर के विकास का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त में बताया जा रहा है। ये आपके आविष्कार हैं, ये आविष्कारक हैं जिन्होंने किया था आविष्कार किया। ये समय है जिस समय में इसकी विशेषताएँ हैं और इसके अनुपयोग हैं। अबेकस, कौन सा है? अबेकस। ये ली काई चैन चीन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया? 16वीं शताब्दी में। इसकी विशेषता है कि सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। क्षितिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। आपने अगर स्कूल में देखा होगा तो इस तरह का यंत्र था, हम जोड़ने के लिए घटाने के लिए इसका प्रयोग करते थे गिन के। आपने स्कूलों में देखा होगा छोटी क्लासों में, ठीक है। इसके अनुपयोगों की बात करें तो जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था इसका। वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। फ्रेय नेपियर्स बॉन्स, इसका आविष्कारक है जॉन नेपियर, ये थे स्कॉटलैंड के। इन्होंने 1617 में इसका आविष्कार किया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जानवरों की हड्डियों से बने आयताकार पट्टियाँ होती थी। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंक के पास आ जाते थे। गणना के लिए उपयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राबडोलोगिया कहते हैं। इसके अनुपयोगों की बात करें तो गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्ण पूर्वक की जा सकती थी। गणनात्मक परिणामों के ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था इसके द्वारा। फिर है आपका स्लाइड रूल। इसके आविष्कारक थे विलियम ऑट रेड, जर्मनी के थे। इन्होंने 1620 में कब 1620 में इसका आविष्कार किया। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। इसके उपयोगों की बात करें या अनुपयोगों की तो यह लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। फिर आपका पास्कलाइन। इसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। 1642 में इसका आविष्कार किया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह है पिथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है।
यह मशीन ऑडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थीं। इसका उपयोग तो संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए उपयोग किया जाता था। इसका फिर है आपका लेबनीज यांत्रिक कैलकुलेटर। इसके जो आविष्कारक थे वो थे गॉटफ्रेड बॉन लेबनीज, जर्मन के थे। इन्होंने 1671 में इसकी स्थापना की या खोज की। इस मशीन को लेबनीज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। इसका उपयोग होता था, यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में समर्थ थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में उपयोग की जाती है। फिर आपका जेकोडर्स लूम, इसके आविष्कारक थे जोसेफ मेरी जिकार्ड, ये फ्रांस के थे। इन्होंने 1801 में इसकी खोज की। इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह पिथम मैकेनिकल लूम थी। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। फिर है आपका डिफरेंस इंजन। इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, 1822 में इसका आविष्कार किया उन्होंने। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप में चलती थी। किससे? भाप से चलती थी। इसके प्रयोगों की बात करें तो इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीज गणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 अंकों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में किया जाता था पहले। ठीक है, फिर है आपका एनालिटिकल इंजन। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज, 1833 में इसका आविष्कार किया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे। एक आपका इनपुट इकाई, फिर था स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। इसके प्रयोगों की बात करें तो इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। फिर है आपका टेबुलेटिंग मशीन। इसके जो आविष्कारक थे इनका नाम था हरमन होलेरिथ, 1880 में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। इसमें 1896 में होलेरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंचकार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या IBM हो गया। इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में किया गया था। तो याद रखना, पूछ लेगा आपसे कि टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था कायम, तो 1890 की जनगणना में, या पूछ लेगा 1890 की जनगणना में किया गया यंत्र था टेबुलेटिंग मशीन। फिर है आपका क्वेश्चन अगला है मार्क वन की बात करें तो इसके आविष्कारक थे हावर्ड आइगन, 1930 में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैनुअल रूप में से एंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया जाते थे। इसमें इसका प्रयोग गणना करने में किया जाता था। फिर आया आपका ENIAC, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। इसके आविष्कारक थे JP एकर्ट और जॉन मॉचली, 1946 में इसका आविष्कार हुआ। यह 20 अकाउमुलेटर्स का एक संयोजन था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था।
इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। फिर है आपका एड सेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके आविष्कारक थे मॉरिस बिल्कस 1949 में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों को की भी गणना कर सकता था। यह मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था। इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो 1950 में MB बिल्कस और व्हीलन ने जीन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया था। 1951 में मिलर और व्हीलन ने 179 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया था। फिर है आपका एडवेक। इसके आविष्कारक थे जॉन पॉन न्यूमैन। 1950 में इसका आविष्कार हुआ। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था। यह गणनाएं करने का काम करता था। फिर हुआ आपका यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके आविष्कारक थे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली 1951 में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को अति शीघ्र हल करता था। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा से संसाधित था करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। फिर है आपकी कंप्यूटर पीढ़ियाँ। क्या है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ। उनके आकार प्रकार से भी बहुत परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की हम लोग पीढ़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के बारे में। किसके प्रथम पीढ़ी के बारे में? प्रथम पीढ़ी में है आपका वर्ष 1940 से 56 तक। इनमें स्विचिंग डिवाइस था आपका वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज डिवाइस था मैग्नेटिक ड्रम। इसकी गति थी 333 माइक्रो सेकेंड। कितनी थी? 333 माइक्रो सेकेंड। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हम लोग तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा वाइनरी नंबर 0 और 1 था इसका। इसकी विशेषताओं की बात करें तो सीमित मुख्य भंडारण क्षमता था इसका। मंद गति से इनपुट आउटपुट होता था इसमें। इसकी उपयोग की बात करें तो मुख्यतः वैज्ञानिक बात के सामान्य व्यापार सिस्टम और एनेक और यूनिबैक मार्क फर्स्ट आदि के लिए, जैसे इसके उदाहरण थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे एनेक, यूनिबैक और मार्क फर्स्ट। ठीक, फिर आती है आपकी द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 63 तक चली। कौन सा? 63 तक। इसके हम लोग स्विच की बात करें, स्विचिंग डिवाइस की, तो ट्रांजिस्टर इसमें उपयोग होता था। इसके स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और इसकी स्पीड की बात करें तो 10 माइक्रो सेकेंड थी इसकी स्पीड। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टीबैग रीमेनिंग टाइम शेयरिंग इसके ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसकी भाषा थी असेंबली भाषा उच्च स्तरीय। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ इस समय। आकार और ताप में कमी आई। तीव्र और विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत करता था। इसके उपयोग की बात करें तो व्यापक व्यवसायिक उपयोग, इंजीनियरिंग डिजाइन और इन्वेंटरी फाइल अपडेशन के लिए इसका उपयोग हुआ। फिर आती है आपकी तीसरी पीढ़ी। कौन सी? तृतीय पीढ़ी। ये आपकी तृतीय पीढ़ी रही 1964 से 71। इसके स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग होता था।
इसके स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक कोर का उपयोग होता है। इसकी गति 100 नैनोसेकंड थी। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वास्तविक समय टाइम शेयरिंग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसकी भाषा की बात करें तृतीय श्रेणी की तो फोटोन और कोबोल इसकी भाषाएं थी। इसकी जो विशेषताएं थी इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग होते थे। रिमोट प्रोसेसिंग इसमें उपयोग होता था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे इसमें। इसके उपयोग की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम रिजर्वेशन सिस्टम आदि में उपयोग होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो IBM सिस्टम 360 NCR 395 और B6500 इसके उदाहरण हैं। फिर आती है आपकी चौथी पीढ़ी। कौन सी चौथी पीढ़ी? 1971 से वर्तमान। इसमें आपका डिवाइस की स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर्स उपयोग होते थे। इसके स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी वेंचेस्टर डिस्क इसमें उपयोग होते थे। इसकी गति थी 300 नैनोसेकंड। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके में जो भाषाएं थी इसकी भाषाओं की बात करें तो फोर्टोन 77 पास्कल ADA और कोबोल 74 इसकी प्रमुख भाषाएं थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि विभिन्न भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। इसके उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग होने लगा। इसके उदाहरण है चतुर्थ पीढ़ी के IBM PC XT एप्पल सेकंड इंटेल 4004 आदि चिप। ठीक है, फिर आती है आपकी पंचम पीढ़ी वर्तमान में आगे तक जो भी है। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट ये पूछ लेता है पीढ़ियों के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले UP में पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया था कि अभी हम लोग कौन सी पीढ़ी का योग आ गया है, मतलब कौन सी पीढ़ी हमारे परिचालन में आ गई है, तो पंचम पीढ़ी आ चुकी है। इसमें सबसे विभिन्न स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें उपयोग होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इसका जो स्टोरेज डिवाइस है। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसका उपयोग है। इसकी जो भाषा की बात करें तो हम लोग इसकी भाषाओं की नहीं विशेषताओं की, इसमें यही भाषाएं उपयोग होती हैं। विशेषताओं की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI इसे सुना होगा आपने बहुत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसकी विशेषताएं। इसके उपयोग की बात करें तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्विच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्नाइज इसकी प्रमुख उपयोग है। कुछ ही आपके पॉइंट हैं, इन्हें भी जानना है तो देख लेना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है वन डे एग्जाम में। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए। 2 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन बॉन न्यूमॉन द्वारा 1938 में प्रस्तुत किया गया। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर था। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संगीत प्रोग्राम पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा कामकाज उद्देश्यों तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नता है। एक आधार आकार के आधार पर, फिर उद्देश्य के आधार पर और अनुपयोग के आधार पर। 3 भागों में
विभाजित किया जा सकता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधार के आधार आकार के आधार पर बात करें तो इसमें आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर हैं। उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटरों की बात करें तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। उसके अनुपयोग के आधार पर बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों की बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे देखते हैं हम लोग। माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डिस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता था। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार, घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1,00,000 संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसी को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं IMAC, IBM, PS2, Apple, MAC इत्यादि। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के कई प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर, यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। इस तथ्य के बावजूद कि PCS को छोटा करके आज लैपटॉप पामटॉप का आकार दे दिया गया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यावसायिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। फिर आपका लैपटॉप। विगत कुछ वर्षों में कुछ तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया कि उन्हें सफलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी उनको खरीद कर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। पर आपका पाम टॉप, यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। फिर आपका टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु उपयुक्त सॉफ्टवेयर स्क्रीन आदि की विभिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता आदि के भंडारण में किया जाता है। फिर आपका वर्क स्टेशन, यह अभियांत्रिकी तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। ठीक, फिर है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS मेगा
इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। इसके उदाहरण है HP 9000, RISC 6000, BUL HN, DPX2 और AS 400। फिर आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़ी एक कंप्यूटर कार्य क्षमता कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका उपयोग होता है। मैन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता फ्रेया नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मैन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भरने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो किराई, फर्स्ट, CDS, सर्वर, क्राइवर, IBM 4381, ICL 39, यूनिबैक 1110 आदि इसके उदाहरण हैं। फिर अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया था, क्रेबन। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। इसका विकास CDAC DAC ने किया था। इसका विकसित रूप है परम 10000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो परम 10000, क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, NIC 500 आदि। ठीक है, अब इसके यही उद्देश्य के आधार अनुपयोग के आधार पर देख लें। पहले अनुपयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, जिनका सर एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण है स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर, अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को जीरो और वन में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आदि हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के। फिर है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हों, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। इसके उदाहरण है ECG डायलिसिस मशीन। ठीक है, ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यहीं आपकी बात कर लें हम लोग कुछ उद्देश्यों के आधार पर। इसके उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य के लिए किए जाते हैं। दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग,
भौतिकी, रसायन विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए सीपीयू की क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है, जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर के अनुपयोग। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो। कुछ मुख्य क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। फिर आपका बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के अनुपयोग ने क्रांति ही ला दी है। आज बैंकों के अधिकांश समयसाध्य कार्य, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ATM द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपया गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा ही सहज संभव हैं। जैसे और भी आपके हैं, जैसे वायुयान, रेलवे आरक्षण क्षेत्र में ई रिजर्वेशन और ई टिकटिंग के लिए। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, वीडियो गेम। प्रशासन के क्षेत्र में अकाउंटिंग, बिल्डिंग। सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन। शिक्षा के क्षेत्र में रिपोर्ट बनाने में, विज्ञान में प्रोजेक्ट। बैंक के क्षेत्र में ई बैंकिंग और ATM। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट नेटवर्किंग। वाणिज्य के क्षेत्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और लेजरिंग। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिजर्व्ड का संग्रह और पुस्तकालय में किताबों को सहेजना। उद्योग के क्षेत्र में परिकेशन में कंपनियों में। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन में। ये आपके कंप्यूटर की उदाहरण है, उपयोग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के का परिचय। देख रहा है इसमें इनके उपयोग में फिर आपका है शामिल संचार क्षेत्र। कंप्यूटर के उपयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के द्वारा के उपयोग को संभव बनाया। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु विकास की संचरण में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के अनुपयोग या उपयोग, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, शिक्षा हो, फिर चाहे आपका संचार हो, बैंक हो, फिर आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुपयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण, निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का उपयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। फिर आपका वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेलवे द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं, तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित समय की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रयास सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रमों, वीडियो गेम इत्यादि रूपों में किया जाता है। मल्टीमीडिया के उपयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। फिर आपका प्रशासन। हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। फिर आपका सुरक्षा। आज बिना कंप्यूटर की हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने, हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका वाणिज्य। दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है और करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए असंभव हो गया है। फिर आपका विज्ञान, इंजीनियरिंग। कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। इनके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करते हैं, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों।
यह पत्रिकाओं को सोच सहेजने में भी सहायता करता है। फिर आपका उद्योग, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर ही निर्भर हैं। सैंतपिक क्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का इंटरनेट की एक उपयोगिता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है। कॉमर्स शब्द का लेन देन अर्थात व्यापार है। यदि लेन देन कंप्यूटर तथा उसके नेटवर्क अथवा संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किया जाए तो इसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो पूछ लेता है। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का पाया जाता है। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का ब्लू जीन है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर इका एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो ये था आपका एक कंप्यूटर से संबंधित सामान्य परिचय। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था। दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर।